हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो इंड्यूस होना, क्या इंड्यूस होना? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होना। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेल्फ। अगर खुद में ही करंट चेंज हो रहा है या फ्लक्स, खुद से लिंक जो चेंज हो रही है उससे इंड्यूस होता है, जब ईएमएफ उससे जो करंट इंड्यूस होता है उससे हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मान लो कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो चेंज कर रहा है। लेट सपोज द करंट इज इंक्रीजिंग, तो ये जो सोलेनोइड है, ये जो इंडक्टर है सोलेनोइड, दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज इंडक्टर। तो ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो इस चेंज को अपोज करेगी। इट विल टेंड टू रिड्यूस दिस करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें से करंट पास करता है तो ये अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होती है कुछ इस तरीके से। जैसे ही इसमें से करंट बढ़ेगा, ये जो फ्लक्स है ये बढ़ेगी, और कोई भी कॉइल नहीं चाहती कि उससे जो लिंक, जो फ्लक्स है, लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा लूप या करंट, कोई भी ऐसा कॉइल नहीं चाहेगी कि उसमें से कोई भी फ्लक्स चेंज हो, तो वो उसको अपोज करना चाहेगी। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये खुद की ही वजह से हो रहा है। दिस इज हाउ वी डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर उसके अंदर से कोई करंट पास हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं होने देना चाहती, उसको हमेशा अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ वी नो दैट फ्लक्स लिंक विद द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द लूप और द कॉयल। सो इन दिस केस इफ आई हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो इस केस में हम जो कोफिशियंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट विल बी नोन एज कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। नाउ ये उस कॉइल की ज्योमेट्री पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। आई कैन राइट एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। सो वी डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल एज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल divided by the current passing through the coil, or we can say the total flux linked with the coil for unit current passing through this solenoid or coil. So it means if lesser amount of current can generate more amount of flux in the coil, then the self inductance of that coil is high. Now this self inductance depends upon many factors. They depend upon the geometry of the coil, किस तरीके क्या ज्योमेट्री है उसकी, उसके अंदर किस तरीके का कोर इंसर्टेड है, तो इन फैक्टर्स पे हमारा एल डिपेंड करता है। एंड एज वी नो एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, एल की यूनिट भी हमारी क्या होती है? हेनरी होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एच। एंड वी कैन डिफाइन वन हेनरी एज फाइव। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वेबर, सो वन डब्ल्यू बी वेबर डिवाइडेड बाय वन एम्पियर। सो वी कैन से दिस कैन बी अ क्वेश्चन एज वेल, हाउ टू डिफाइन वन हेनरी? वन हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इफ वन एम्पियर ऑफ करेंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन वेबर इन द कॉयल, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल इज सेड टू बी 1 हेनरी। अगर 1 एम्पियर का करंट उस कॉइल में से 1 वेबर के मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाता है तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो होगी 1 हेनरी। नाउ व्हाट इफ आई विश टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड? अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारे पास एक सर्कुलर लूप का क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो है ए, और इसमें से आई करंट पास कर रहे हैं, एंड दिस सोलेनॉइड इज इन वैक्यूम, आई नीड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत इजी है ये, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पर हमारा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, सो कॉस 0 विल बी 1।
But since there are n number of turns, so I will write an n as well. Then it's equal to nBA. Now, what is the magnetic field inside a solenoid? हमने expression derive किया हुआ है कि the magnetic field inside a solenoid, the expression for magnetic field inside a solenoid is given by mu naught times the number of turns per unit length times the current through the solenoid into A. This is the expression for magnetic field. So I can write number of turns per unit length as capital N by L times I times A. Now I can separate I. बाकी टर्म्स को मैं सेपरेट कर दूंगी, मुझे मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल टाइम्स आई. नाउ सिंस आई नो फाई इज इक्वल टू एल आई, सो फ्रॉम हियर बाय कंपेयरिंग दीज टू टर्म्स आई कैन सी दैट माय एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. सो माय प्रेडिक्शन वाज करेक्ट कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो काफी हद तक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और जो मटेरियल मीडियम है इनसाइड द सॉलेनॉइड उस पर भी डिपेंड करता है. नाउ व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट? इट्स वेरी इजी, हमें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इट्स इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी एंड फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज एल टाइम्स आई. सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ L times I. Now L यहाँ पे constant है, मैं इसको बाहर लेके आ सकती हूँ. I can write minus d I by dt. तो minus यहाँ पर Lenz's law obey कर रहा है, वो उस current के change को oppose करने के लिए represent कर रहा है. So this will be the induced EMF in the coil when the current changes through the coil. In the next video, we will continue with mutual inductance. That's all for now. Have a good day.